किंग रॉलिंस को चैलेंज किया था चैंपियनशिप के लिए, तो ब्रॉक लेसनर ने वहीं पर रिटर्न करके कोडी रोड्स को वहीं पर मंडे नाइट रॉ के रिंग में पेलने की कोशिश की, लेकिन झट से कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगा दिया था ब्रॉक लेसनर पर द बीस्ट इनकॉर्नेट पे। तो दोस्तों यही सब आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रॉक लेसनर भयानक तरीके से इस मंडे नाइट रॉ में रिटर्न हुए थे, फिर ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पर भयानक तरीके से रिटर्न करके एक F5 झंडे की कोशिश की, लेकिन कोडी रोड्स ने वहीं पर रिवर्सल लेकर इस मैच होने वाले ब्रॉल को वहीं पर ढेर किया ब्रॉक लेसनर को। तो दोस्तों यही सब कुछ हुआ था इस मंडे नाइट रॉ के इवेंट पर, और दोस्तों आने वाले कुछ समय में हो सकता है एक और ब्रॉल और कोडी रोड्स फिर से अटैक कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर पर। लेकिन दोस्तों कुछ सूत्रों से ऐसा भी लगता है कि ब्रॉक लेसनर फिर से डिस्ट्रक्शन मचा दे अपना इस मंडे नाइट रॉ में। तो दोस्तों WWE के ड्राफ्ट के हिसाब से ब्रॉक लेसनर आएंगे सिर्फ मंडे नाइट रॉ में, और आप लोगों को लगता था कि एक ड्रीम मैच होगा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच फिर से अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल। तो दोस्तों हमें उस मैच के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि WWE ने ब्रॉक लेसनर को ड्राफ्ट के लिए चुन लिया है। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर रॉ के सुपरस्टार पर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ राइवलरी हुई थी ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच, वो भी रसलमेनिया बैकलैश में, जिसके अंदर कोडी रोड्स ने भयानक तरीके से ब्रॉक लेसनर को बेइज्जती की और ब्रॉक लेसनर का फेस बस्ट कर डाला था। ये था दोस्तों ब्रॉक लेसनर की हार का मैच। फिर दोस्तों ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच